नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आसनार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहन सुथार। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर के बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यानी कि वीजी 21 और उसका रिलीज 1.0 में प्रैक्टिकल तरीके से सेल्स वाउचर की एंट्री किस प्रकार करी जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लर्निंग का जो सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ उन दोनों वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो हमारे इस सीरीज के चलेंगे तो आपको कोई भी समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आपको इसका लिंक है जो आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली वीजी फैक्टेक्स मार्ग अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने एक ये सेल वाउचर है और इसी सेल्स वाउचर की एंट्री हम वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो चलते हैं वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन है और अब सबसे पहले हमें सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए हमें जानना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन मेन्यू पर। इस पर हम एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद हमें सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेल्स के बाद हम जाएंगे एड पे। तो दोस्तों, आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेल्स में। हर वाउचर में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से, एड, मॉडिफाई और लिस्ट। एड का मतलब हो गया अगर आप नए वाउचर की एंट्री कर रहे हो, यानी कि कोई नया वाउचर सेल्स वाउचर आप पोस्टिंग कर रहे हो तो आपको एड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने कोई सेल्स वाउचर ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है उस वाउचर में अगर आपको किसी भी टाइप की एडिटिंग करनी है, मॉडिफाई करना है, तो आपको मॉडिफाई सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप टोटल सेल की लिस्ट को देखना चाहते हो तो आप इसे लिस्ट को सेलेक्ट करोगे। तो हमें बिल्कुल नया फ्रेश सेल्स वाउचर एड करना है तो हम एड पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे डेट पे। तो हम डेट देखेंगे हमारे वाउचर की 31/12/2020 है, तो हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 31/12/2020। और उसके बाद दोस्तों, एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी, अब हमारा इस इनवॉइस का जो इनवॉइस नंबर है वो ये है SE001। और आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाई डिफॉल्ट है, जो वाउचर नंबर 1/2020-21 का ऑटोमेटिक आ गया। अब इस पर हमारा जो कर्सर है जा ही नहीं रहा, डेट के बाद में सीधा सेल टाइप पर आ रहा है। तो हमें सेल्स वाउचर की एंट्री करने से पहले, अगर आपके बिजनेस में मैनुअल सेल्स बिल चलते हैं तो आपको ये सीरीज भी अपने मैनुअल बिल बुक की सीरीज के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर इसके जो वाउचर की जो सीरीज है सेल्स की, इसे हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वापस बैक जाएंगे और इसके बाद हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर पर और उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन पर। और कॉन्फ़िगरेशन पर जाने के बाद में आपको सेकंड ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलेगा, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे। इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे और जितने भी हमारे वाउचर होते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी और हमें सेलेक्ट करना है सेल वाउचर। और सेल वाउचर पे जाने के बाद में इसकी जो मेन सीरीज पे, और उसके बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वाउचर नंबरिंग पे। में वाउचर नंबरिंग पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पर जो नंबरिंग टाइप है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक को हटा के हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मैनुअल को। और उसके बाद में हमारे से दो ऑप्शन और पूछ रहे हैं, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी कि आप अगर एक ही वाउचर दो बार अगर पोस्ट करो तो आपको किस टाइप का एक्शन चाहिए, वार्निंग चाहिए, डोंट अलाउ चाहिए, नो एक्शन चाहिए। वार्निंग का मतलब आपको केवल एक बार वार्निंग देगा भी आपने इस वाउचर का जो नंबर है ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है तो आप एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है तो आप आगे जा सकते हो। डोंट अलाउ का मतलब यानी कि सेकंड जो वाउचर है वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं अगर वो उसी वाउचर की एंट्री हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा डोंट अलाउ। और ये पूछेगा ब्लैंक वाउचर नंबर भी, बिल्कुल अगर आप खाली छोड़ दो तो अलाउ है या नहीं है, वो भी डोंट अलाउ करेंगे और इसे हम करेंगे ओके। और उसके बाद वापिस हम आएंगे ट्रांजेक्शन पर, सेल्स वाउचर पर और एड पर।
और वापस डेट को सिलेक्ट करेंगे 31/12/2020, तो अब देख सकते हो यहाँ पर वाउचर नंबर है जो आ गया है। और अब मैं वाउचर नंबर ये पोस्ट करना पड़ेगा SE001, तो SE001, तो इसमें और एंटर प्रेस करेंगे। सेल टाइप यानी कि ये किस प्रकार की सेल है, आपकी आउट ऑफ स्टेट की सेल है या आपके लोकल की सेल है, तो ये बिल्कुल हमारे लोकल की सेल है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल राजस्थान के ही डीलर को हमने सेल किया है। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लोकल, एल प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो एल में आपके काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा लोकल आइटम वाइज को। हम आइटम वाइज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम एल जीएसटी मल्टी रेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टी रेट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में पार्टी नेम, तो जिस पार्टी को हमने सेल किया है जैसे कि बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, तो हमें बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कोई लेजर नहीं है, तो हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसी सेल्स वाउचर पर रहते हुए आप नया लेजर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा F3 का बटन। तो जैसे आप F3 का बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने एड अकाउंट मास्टर ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का जो लेजर है वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और ग्रुप में रहेगा ये सेंट्री डेप्टर्स क्योंकि हमारे लिए कस्टमर है। और उसके बाद में यहाँ पर उसका एड्रेस, अगर एड्रेस हमारे पास अभी अवेलेबल है तो हम अभी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है तो ओनली जयपुर लिखा हुआ है, तो हम भी एक बार यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जयपुर लिख देते हैं। और कंट्री इंडिया, स्टेट बिल्कुल राजस्थान रहेगा। ये टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड, और बिल्कुल रजिस्टर्ड है क्योंकि इस पार्टी ने हमें जीएसटी नंबर अवेलेबल करवाया हुआ है, तो ये जो जीएसटी नंबर है ये हमें इसके जीएसटी नंबर में डालना पड़ेगा। और इसे हम यस करते हुए और इस वाउचर को हम करेंगे सेव। तो उसके बाद में एक ऑप्शन हमें वार्निंग दे रहा है, ये भी वार्निंग जीएसटी नंबर इनवैलिड, प्लीज चेक इज ऑन जीएसटी पोर्टल। तो दोस्तों ये जो जीएसटी नंबर है ये मैंने एक बार टेम्परेरी रूप से डाला हुआ था इसलिए वार्निंग दे रहा है, ये कह रहे भी आपका जो जीएसटी नंबर है पार्टी का वो बिल्कुल सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसे कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में जो मास्ट मटेरियल जो सेंटर है वो मेन स्टोर से ही रहेगा। और उसके बाद में किसी भी टाइप का अगर कोई नरेशन हमें लिखना पड़े तो हम नरेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आएंगे स्टॉक आइटम पर, तो स्टॉक आइटम जो पहली आइटम हमारे पास है सीगेट हार्ड डिस्क 1 TB की, तो ये स्टॉक आइटम हमने परचेज का जो वाउचर क्रिएट किया था जस्ट हमारे जो पिछला वीडियो था पार्ट सेकंड उसमें अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि परचेज वाउचर की एंट्री किस प्रकार होती है। तो ये 1 TB को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 पीस है, हम इसको भी यहाँ पर 4 पीस रखेंगे। और यहाँ पर जो हम रेट देंगे पर आइटम का जो रेट है वो 2800, यहाँ पर जो हमें रेट देना पड़ेगा वो टैक्सेबल रेट देना पड़ेगा 2881.36 रुपये, 2881 रुपये और 36 पैसे। और इसके बाद में जो सेकंड आइटम है वो है HP कीबोर्ड 2 पीस, HP कीबोर्ड 2 पीस, और इसका जो रेट है वह 466 रुपये और 10 पैसे, 466 रुपये और 10 पैसे। तो ये दोनों आइटम यहाँ पर हो चुकी है और अब हमें यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखते हो जो टैक्स बिल वैल्यू 12,457.63 रुपये है और यहाँ पर भी 12,457.64 रुपये आई है, तो 1 आधे पैसे का फर्क हो सकता है। और उसके बाद में इस पर जीएसटी कैलकुलेट करवानी है, तो जीएसटी कैलकुलेट करवाने के लिए हमें आना पड़ेगा इस बिल सेंडरी पर। तो हम यहाँ से टे बटन का प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे CGST। तो CGST का जो रेट हमें देना पड़ेगा 9%। तो अब जैसे CGST दोगे तो यहाँ पर SGST ऑटोमेटिक ही ऑप्शन आ जाएगा और ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरीके से 14,700 रुपये की अमाउंट बन चुकी है और यहाँ पर 14,700 रुपये पूरे ही हैं। तो हमें 2 पैसे को राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ हमें माइनस करना है, तो हम राउंड ऑफ के दो ऑप्शन आपको मिलेंगे भी आपको राउंड ऑफ प्लस करना है या माइनस करना है। हमें 2 पैसे कम करने हैं माइनस करने हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे राउंड ऑफ माइनस को, तो 0.02।
तो इस तरीके से 14,700 रुपये की अमाउंट है जो नेट हो जाएगी, और हम इस वाउचर को करेंगे बिल्कुल सेव। तो एक बार फिर से वापस ये GST नंबर इनवैलिड की वार्निंग देगा, और न्यू रेफरेंस रखते हुए ये यहाँ पर रेफरेंस नंबर में ये बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर ही उठा लेते हैं। और यहाँ पर इसकी ड्यू डेट, अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है इस पार्टी में तो आप ड्यू डेट भी यहाँ पर दे सकते हो। तो ये ड्यू डेट किस वजह से काम आती है, ये बिल बाई बिल रेफरेंस क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। और इसे ओके करते हुए अगर प्रिंट लेना है तो हम यस करेंगे, अगर नहीं लेना तो हम इसे नो रखेंगे। तो इस तरीके से ये एक वाउचर हमारा सेव हो चुका है। और इसी तरीके से एक हमारे पास एक वाउचर और है, वाउचर नंबर 2, इसकी एंट्री भी हम करेंगे 31/12। दोस्तों अगर आपको नहीं पता भी आपने जो जस्ट लास्ट में जो वाउचर की पोस्टिंग करी थी उसका वाउचर नंबर क्या है, तो जैसे ही आप कीबोर्ड से एल्ट आर प्रेस करोगे तो जो पिछला वाउचर नंबर एंट्री करी थी उसका वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। और जैसे हम इस पे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो ये वार्निंग हमें देखा, दिस वाउचर नंबर SC01 डेट 31/12 विद पार्टी बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आपने इस वाउचर का जो नंबर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट 31/12 में एंट्री कर चुके हो और बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को आपने इशू किया था। तो दोस्तों ये जो वार्निंग इसीलिए दे रहा है, जो हमने इसकी जो वाउचर सीरीज को मैनुअली किया था और वहां पर जो ऑप्शन आया था डोंट अलाउ का, इसी की वजह से ये हमें स्टॉप इनवैलिड डाटा का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसे करेंगे ओके, और यहाँ पर हम 01 को हटा के करेंगे 2। तो दोस्तों जो पिछला वाउचर की एंट्री हमने करी थी उसमें हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे मल्टी रेट, और अब आपको मैं बताऊंगा भी लोकल आइटम वाइज में क्या डिफरेंस है। मैं आइटम वाइज करूँ, इससे जो पहली वाउचर की एंट्री पोस्ट करी थी 001 वाली, उसमें हमने मल्टी रेट सेलेक्ट किया था, तो दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। और ये कस्टमर का नाम है सुमित कुमार, और ये GST नंबर इसके पास नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि एक अनरजिस्टर्ड कस्टमर है। तो सेम वही ऑप्शन हमें सुमित कुमार का लेज़र हमारे पास अभी है नहीं, तो हम F3 से शॉर्टकट से लेज़र को क्रिएट करेंगे, सुमित कुमार अंडर में विषय रखेंगे सेंड एड्रेस, और इसका एड्रेस हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे मॉडिफाई करके बाद में भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और इसे हम सेव करेंगे। और इसकी जो आइटम है सेकंड सीगेट हार्ड डिस्क 500 GB 3 पीस, सीगेट हार्ड डिस्क 500 GB और क्वांटिटी इसकी 3 पीस। और अब दोस्तों यहां पर जो आप रेट देना है, अब चाहो तो इसका जो नेट रेट आप अगर आप दे रहे हो यहां पे, जैसे इसका ये नेट रेट है इसका और ये इसका टैक्सेबल रेट है, तो आपको मैं दोनों एंट्री करके दिखाता हूँ। 487 इसका सॉरी ऊपर वाला अमाउंट है, ये 3 पीस नेट अमाउंट इसकी 2870 रुपये है, और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है 2432 रुपये और 20 पैसे है। तो मैं यहाँ पे 2432 रुपये और 20 पैसे एंटर प्रेस करूँगा, तो आपको यहाँ पे बता देगा भी 2432 कर रहे हो तो इसकी जो फाइनल अमाउंट बनेगी वो 8609 रुपये और 98 पैसे बनेगी, यानी कि ये पूरा 8610 रुपये इस अमाउंट के जो वैल्यू बनने वाली है नेट। तो हम यहाँ से इसको 8610 रुपये फाइनल अमाउंट में इंटर कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर अब आपको CGST SGST लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड आइटम डेल कीबोर्ड, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 8 पीस है, और यहाँ पर जो हमें रेट डालना पड़ेगा टैक्सेबल 487 रुपये और 29 पैसे, और यहाँ पर 487 रुपये और 29 पैसे। तो अब यहाँ पर दिखा रहा है भी 4600 रुपये इसकी फाइनल अमाउंट बढ़ेंगी SGT और CGST लगाने के बाद में, तो हम यहाँ पर इसको भी हम 4600 पूरा ही रख देंगे। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो यहाँ पर 13,210 रुपये इस बिल की अमाउंट बन चुकी है, और यहाँ पर भी 13,210 रुपये है। इन दोनों सेल्स टाइप में डिफरेंस है, ये भी मल्टी रेट में आपको यहाँ पर SGST CGST इस बिल सेंटर में आपको लगाना पड़ेगा, और आइटम वाइज के अंदर आपको ये जो टैक्स समरी है ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगी, इस पे टैक्स बिल वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, CGST और SGST ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फाइनल अमाउंट में एड हो जाएगा। तो यहाँ से अब अलग से CGST और SGST आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये दो था दोनों में डिफरेंस, तो हम इस वाउचर को भी करेंगे सेव, और इसका न्यू रेफरेंस 2 रखते हुए
पोस्ट सेव, अगर आपको प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट उसको यस कर सकते हो, अदरवाइज इसे नो रखोगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये दोनों सेल्स वाउचर की एंट्री कर दी है। और उसके बाद में अगर किसी वाउचर में हमें किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़े तो हम वापस ट्रांजेक्शन पर आके मॉडिफाई पर हम आएंगे, और मॉडिफाई आने के बाद आपको ये वाउचर नंबर पूछेगा कि कौन से वाउचर में आपको मॉडिफाई करना है। अगर आपको 2 नंबर करना है या 1 नंबर करना है तो वो वाउचर नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और एंटर प्रेस करते हुए जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो आपके सामने वो जो हमने 001 की जो एंट्री करी थी बालाजी वाली, वो वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें किसी भी टाइप का अगर आपको एडिटिंग करनी है या कोई स्टॉक आइटम ऐड करनी है या कोई कम करनी है, कोई रेट बाय द वो आपसे कोई गलत डल गया या आपने कोई नीचे कोई फ्रेट वगैरह डालना भूल गए तो आप इसमें मॉडिफाई में आके ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद वापस इस वाउचर को आपको सेव करना पड़ेगा। और उसके बाद में लिस्ट जो ऑप्शन आ रहा है, इस लिस्ट में आपको टोटल भी अभी तक आपने कितने सेल्स वाउचर की एंट्री पोस्टिंग करी है तो आपको यहाँ पे टोटल लिस्ट दिखा देगा। यानी कि अभी तक आपने ये वाउचर बिल नंबर SE001 और 002, ये 2 वाउचर की एंट्री अभी तक आपने कर रखी है। तो दोस्तों ये था आज का सेल्स वाउचर की एंट्री को प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से करी जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।